अब दोस्तों ये कार्ड सीधा इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे रख के ही, यहाँ पे एक आपको नाप दिया जाता है कि वो आमने सामने रख के ही प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो गवर्नमेंट की तरफ से नया कार्ड जारी किया है जो है हेल्थ कार्ड, तो ये हेल्थ कार्ड अपना जो हम कैसे बनाए, कैसे बना जा सकता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अपने आप मोबाइल या लैपटॉप से बन जाता है। तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, हम कैसे प्रिंट करेंगे, ये सारी बातचीत आज वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों हेल्थ कार्ड के लिए आपको आज पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसका भी हेल्थ कार्ड बन जाए। दोस्तों ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां मैं आपका कोई भी तुरंत आंसर दे देता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो कि अपना हेल्थ कार्ड कैसे बनाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका मोबाइल से आप निकाल रहे हो तो वहां पे आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर देना है। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहां पे गूगल में हमें जो हेल्थ कार्ड लिख देना है, ये हेल्थ कार्ड हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, वहां पे हमें चले जाना है। यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, ये क्रिएट आभा नंबर पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी क्रिएट आभा का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों जिसका निकल गया है वो यहाँ पे लॉगिन करके भी चले जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट आभा का जो है वो पूरा पोर्टल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग आधार कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे जाके क्लिक करना है और नेक्स्ट पे हमें चले जाना है। दोस्तों अब यहाँ पे आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सारी कंडीशन आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो और आई एम नॉट ए रोबोट वो राइट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा, वहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा और जैसे ही ओटीपी आ जाए तो यहाँ पे ये डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपका ओटीपी इनवैलिड होगा तो यहाँ पे इनवैलिड भी आएगा और ठीक तरह से आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो है वो हेल्थ कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे जाके अब पूरा का पूरा इसमें कोई भी डेटा भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी डिटेल हमारे आधार कार्ड में होगी वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। दोस्तों ऐसे आसान तरीके अपना हेल्थ कार्ड बना सकते हैं और हेल्थ कार्ड यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से हेल्थ कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से है तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे हमने हेल्थ कार्ड भी ले लिया है और ये L805 F1 के लिए ये सीट भी हमने तैयार कर दी है। ये सीट हमारा जो इसका जो नाप लेके हम सीट रखते हैं कि यहाँ पे सीधा ये डायरेक्ट इस पे पेस्ट करते ही हमारा जो है प्रिंट निकल जाता है। दोस्तों ऐसे ये सभी जो इसका नाप लेके एक सीट रख देते हैं क्योंकि बार बार इसका नाप लेना ना हो जाए और सीधी से हमारी प्रिंट आ जाए। तो दोस्तों ऐसे आप चाहे तो दूसरी भी लगा सकते हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो हमने ये प्रिंटर भी ले लिया है, ये मैं यहाँ पे L805 में डायरेक्ट प्रिंट दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा कार्ड अच्छे से प्रिंट करना है तो आपको इसका F1290 का जो इसका सॉफ्टवेयर है वो डाल के वो L805 से लिंक कर लेना है। वो कैसे होता है वो हम एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपको आसान तरीके से कैसे ये प्रिंट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रिंट ये दे दिया है। अब प्रिंट देने के बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, तो इसकी जो ये ट्रे होती है वो ट्रे जो दूसरी ट्रे में होती है तो नीचे से निकाल के ऊपर यहाँ पे डाल देना है। लाइट ब्लिंकिंग होना शुरू हो गई और F1L805 की हमने ट्रे भी ले ली है और कार्ड भी यहाँ पे ले लिया है। अब दोस्तों ये कार्ड सीधा इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे रख के ही, यहाँ पे एक आपको नाप दिया जाता है कि वो आमने सामने रख के ही प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ कंप्यूटर पे मैसेज भी आ जाता है कि आपकी प्रिंट होना वो जो है वो स्टार्ट हो गई है। दोस्तों
आपको शायद इसमें दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें हेड जो है वो आगे पीछे होता है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट हो गया है, एकदम वाटरप्रूफ वाला प्रिंटिंग होता है ये कार्ड, वाटरप्रूफ होता है तो प्रिंटिंग भी वाटरप्रूफ आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों ऐसे आसान तरीके से आप किसी भी पर्सन का जो हेल्थ कार्ड है वो निकाल सकते हैं, हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कैसे आसान तरीके से इसको डाउनलोड करके हम फोटोशॉप के लेके प्रिंट करना है वो भी हमने ये बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको हेल्थ कार्ड के लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी अपनी राय भी है वो दे सकते। दोस्तों आज की इस वीडियो में कार्ड प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक समेत बहुत मोटिवेट होते हैं और नई नई वीडियो आपकी जानकारी के लिए लेके आते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि उसका की हेल्थ कार्ड जल्दी से जल्दी बन जाए। और दोस्तों ऐसे प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।